हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम फैशनिस्ता और मैं हूँ आपकी दोस्त शकुन। आप सब कैसे हैं? अपना ध्यान रख रहे हैं या नहीं? अभी रिसेंटली 26 जनवरी गया था और 26 जनवरी पे सभी जगह सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट्स में चल रही थी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट से, तो मैंने भी वहाँ से कुछ सामान परचेज किया है और आज मैं आपके साथ में वही सब कुछ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या परचेज किया है और मुझे क्या कितना अफोर्डेबल मुझे लगा वो चीज़। मतलब काफ़ी लंबे टाइम से मैं ढूंढ रही थी कुछ ऐसा, सो फाइनली मुझे मिल गया है और आज मैं आपके साथ शेयर। एक्चुअली मैंने अभी भी रिसेंटली ही वो प्रोडक्ट रिसीव किया है और मैं झट से आपके साथ में उसको शेयर करने के लिए वीडियो बनाने लगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने ही उसको खोल रही हूँ और ये कुछ इस तरह की पैकिंग में मुझे मिला है। अमेजोन से आया है ये प्रोडक्ट और इसमें दो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने रिसीव किए हैं और मैं चलिए आपके सामने खोल के दिखाती हूँ इसको। ये ले ली मैंने सीजर और अब इसको खोलते हैं। अच्छी खासी टेप लगा के देते हैं अमेजोन वाले ना, ये देखिए। So, मैंने ये परसों ही ऑर्डर किया था और दो दिन में ही मुझे रिसीव हो गया है। देखते हैं इसके अंदर कैसा क्या आया है सामान। ये है एक ब्लू हेवन की ट्रू ब्रो आईब्रो डिफाइनर लॉन्ग स्टे, ठीक है। ये मैंने मंगाया है डार्क ग्रे कलर में। और इसके अलावा जो दूसरा प्रोडक्ट है वो भी बहुत बढ़िया है, वो है ये चार्म इसका विटामिन सी। ये है प्रोडक्ट फेस सीरम। मेरे पास में मतलब मैं नाइट केयर रूटीन टाइप का कुछ सोच रही थी तो उसके लिए मैं ढूंढ रही थी कुछ इस तरह का सीरम। सो ये काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर मुझे मिल गया है। पहले आपको दिखाती हूँ जो मैंने ये फर्स्ट प्रोडक्ट खोला था। ये है एक आईब्रो पेंसिल, इस पर लिखा हुआ है यहाँ पर अप टू 12 आवर्स डे और स्मज प्रूफ एंड वाटर प्रूफ। और ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें दो कलर्स थे, एक ब्राउन था और एक डार्क ग्रे। सो ब्राउन मैं यूज़ कर चुकी हूँ, पेंसिल थी मेरे पास में, मैंने सोचा इस बार डार्क ग्रे मंगा के देखती हूँ कैसा दिखता है। इसमें दिखाया हुआ है, देखिए यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर का भी दिखाया हुआ है इसमें यहाँ पर। और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं, ब्लू हेवन का इंडियन ब्रांड है और काफ़ी अच्छा है ये। इस पर यहाँ पर 90 रुपीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर प्राइस, अगर आप देख पा रहे हैं तो। मुझे ये 68 रुपीज़ में मिला है तो काफ़ी डिस्काउंट मिल गया मुझे इस पर। अगर मैंने इसे लोकल शॉप से ख़रीदा होता तो मुझे इतने का ही मिलता। मतलब मैं कोशिश करती हूँ इंडियन ब्रांड का ही खरीदने की कोशिश करती हूँ, सो मिल गया। ये खोल दिया जी इस तरह से और ये देखिए, ये थोड़ा स्लैंटिंग इसका है जो पॉइंट है, आगे से देखिए इस तरह से स्लैंटिंग पॉइंट है इसका। और इसका अब देखते हैं कि काम कैसा कर रहा है। मतलब आईब्रोज के लिए इतना डार्क वाला ग्रे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब ये फिलिंग कैसी करेगा वो देखते हैं। अब मैं आगे बनाऊंगी मेकअप की वीडियो तो उसमें डाल दूंगी मैं। ये इस तरह से काफ़ी बड़ा इसमें दिया हुआ है, देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको पूरा खोल करके। थोड़ा रिस्की लग रहा है मुझे इसे निकालते हुए, बट हाँ देखिए इतना बड़ा है, काफ़ी टाइम चलेगा देखा जाए तो। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, यूज़ करने पर पता चलेगा अभी। और बाकी का ये इसकी जो पिगमेंटेशन है ठीक है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कहूँगी, ब्लैक पेंसिल जैसा नहीं है, मुझे अच्छा लगा। काफ़ी लाइट है, जैसे मेरी ओरिजिनल जो मेरी आईब्रोज है बहुत हल्की हैं तो उसके हिसाब से हल्का ही थोड़ा सा कलर सही रहेगा। बहुत ज़्यादा डार्क वाला एकदम से आप कर लेते हैं तो वो और लगता है, एक्स्ट्रॉर्डनरी लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा डार्क किया हुआ है। जैसे मैंने अभी किया हुआ है, मेरी आईब्रोज काफ़ी बढ़ी हुई है। सेकेंड प्रोडक्ट है ये चार्म इसका विटामिन सी और इसके बारे में बताती हूँ। इस पर देखिए, इस पर 210 रुपीज़ लिखा हुआ है इसका जो प्राइस है यहाँ पर, लेकिन ये मुझे 178 रुपीज़ का मिला है। और ये चार्मिस जो ब्रांड है ये भी मेड इन इंडिया, इस पर यहाँ लिखा हुआ है देखिए मेड इन इंडिया, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। और फिर वैसे भी इतने रिजनेबल प्राइस पर आपको विटामिन सी का सीरम कहीं भी नहीं मिलेगा। इसमें कितना है क्वांटिटी, आई थिंक 30 ml है ये, कहाँ लिखा हुआ है, हाँ ये 30 ml है, 178 रुपीज़ में मुझे मिला है। और इतना सस्ता तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये इस बात की गारंटी है। मुझे नहीं पता, चार्म इसका काफ़ी अच्छा, इसके जो रिव्यूज़ थे, देखिए रिव्यूज़ में मैं आपको शेयर कर रही हूँ साथ में, रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे इसके बारे में। हर किसी को सूट करता नहीं करता, आई थिंक सेंसिटिव स्किन वालों को थोड़ा सा केयर के साथ ही यूज़ करने चाहिए ऐसे प्रोडक्ट्स।
तो मेरी स्किन तो मिक्स में आती है, थोड़ा सा ऑयली है थोड़ा सा ड्राई स्किन में, सो मेरे लिए तो परफेक्ट है ये। जिनकी बहुत जल्द सेंसिटिव स्किन है वो लोग थोड़ा सा सोच समझ के परचेज कीजिए इस तरह के सामान को। ये देखिए ये है सीरम, और अब इसकी देखते हैं कंसिस्टेंसी कैसी है। ये एक ड्रॉप मैंने लिया है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि आपको एक ड्रॉप ही यूज करना है, सो देखते हैं इसको कि कितना इफेक्टिव है। एक ड्रॉप तो इनफ नहीं होगा आपके पूरे फेस के लिए, लेकिन हाँ 2-3 ड्रॉप इनफ होंगे अगर आप इसको यूज करेंगे तो। विटामिन सी का जो बेनिफिट्स आप जानती हैं, विटामिन सी के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि विटामिन सी सीरम आप यूज़ कीजिए, और विटामिन सी आप नाइट केयर रूटीन में उसको इंक्लूड कर लीजिए, डे में आप उसको इंक्लूड कर लीजिए, तो आपकी स्किन पर जो जितनी पिगमेंटेशन हैं और जितने भी स्पॉट्स एंड डार्क स्पॉट्स जो हैं वो सब धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी कुछ मंगा कर देखती हूँ विटामिन सी का, अब मैं यूज़ करूँगी इसको, फिर मैं आपको इसके रिजल्ट्स भी बताऊँगी कैसे रहेंगे। मैंने इसको आज रिसीव किया है और मैं इसको आज से ही नाइट रूटीन में इसको शामिल करने वाली हूँ। उसके बाद मैं आपको इसके जस्ट 15 डेज बाद आपको इसका रिव्यू जरूर दूंगी कि इसका रिजल्ट्स कैसे हैं, कुछ इफेक्ट लगता है या नहीं लगता है, इस पे पैसे डालना कितना फायदेमंद रहेगा कितना नहीं वो भी। और विटामिन सी का सीरम जो आजकल मतलब बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड कर रहे हैं लोग स्किन केयर के लिए, तो विटामिन सी का कैप्सूल जो आते हैं आप उसको लेकर के भी अपने फेस पर लगा सकते हैं, या आप कोई नाइट क्रीम अगर अपने लिए बनाना चाहते हैं DIY करके होममेड, तो वो भी आप बना सकते हैं विटामिन सी के कैप्सूल को यूज़ करके। वो एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है, और अगर आप चाहते हैं कि सस्ते में आपको विटामिन सी का सीरम मिल जाएगा तो आप इस ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं चार्मिस का जो मैंने मंगाया है, या फिर आप एक DIY करके बना सकते हैं। अगर आपको DIY वाली रेसिपी चाहिए तो वो भी मैं कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, अगर आपको चाहिए कुछ इस तरह का तो मैं डेफिनेटली वो लेकर के आऊँगी आपके लिए DIY विटामिन सी फेस सीरम के लिए, ठीक है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन टेल मी इन कमेंट बॉक्स, तो फिर मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए वो वीडियो लेकर के आऊँगी। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा आज का वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, और ये जो वीडियो है ना आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि विटामिन सी का जो फेस सीरम है इतना सस्ता मैंने कहीं नहीं देखा है, और यूजफुल भी मुझे लगा इसके जो मैं रिव्यूज आपको दिखा चुकी हूँ, रिव्यूज बहुत इंटरेस्टिंग थे इसके, तो उसके बाद ही मैंने परचेस किया था। अभी आप लोग को अगर ये परचेस करना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं दोनों ही प्रोडक्ट्स को। और बहुत जल्दी मैं लेकर के आने वाली हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छा साड़ी का वीडियो, जिसमें मैं कुछ नए तरीके की साड़ी परचेस करके लेकर के आने वाली हूँ, तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहले से ही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।